चरित के बारे में जतका कह जाए वो कम है, जेकर बारे में हमर पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी तो बड़े सुंदर थे। भरत कौन है? ये तो भगवान के भी भगवान है ना, है ना। भरत सरिस को राम सने ही, और जग जपे राम राम जपे जे ही, तो ऐसा भगवान के भगवान। भरत के चरित्र में चर्चा के प्रयात होने में यद्यपि जो समुद्र के मंथन हो गए इसे, वो समुद्र के मंथन देवता और दानव द्वारा केरे इसे, उनमें से तो मात्र 14 रत्न ने केरे इसे, श्री मणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्प द्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरी विषबाज, ये 14 रत्न निकले है। लेकिन भरत जी के चरित्र के जन मंथन करे गए है तो उनमें तो पाप हमारे पूज्य गुरुदेव के शब्द ही है, यद्यपि समुद्र से तो केवल 14 रत्न ही निकले हैं, पर भरत के चरित्र में से जितने रत्न निकले उसकी गणना करना संभव ही नहीं है, असंभव है। कतको निकले थे और कतको भविष्य में निकले है, तो उन्हीं में से जन अनगणित रत्न निकले हैं, उनमें से कुछ रत्न जिन मोर मोला लगे इसकी मान लो ये रत्न मन रही हो सकते थे, गलती मोर से गलती भी हुई तो मैं पुनः क्षमा याचना करत हुए चला। सबसे पहली भरत, भरत जेकर बारे में माँ सुनैना महाराज जनक जी से भी पूछते कि भरत के बारे में कुछ बताते हो, तो भरत महाराज जनक जी जे वहां पर आपला असमर्थ मानते कि विधि अहिपति गणपति शिव सारा है ना, ये भी विधि माने ब्रह्मा जी ऊपर के लोग के, अहिपति जन नीचे के लोग के, ये धन का जत कवि है ये थी, ये सब कोई वर्णन नहीं कर सके तो मैं, और अंत में तो एक ही गीत तो कोनो तो जाना थो ही कहा एक जन जान थे, कौन जान ही राम, ये कर बारे में राम जान से तो कहें कोई बात नहीं है, मैं जाकर के उत्मुर पड़े तमादि में ऊपर से जाके पूछ लू, कहे ध्यान रखबे खबरदार होकर कर मत जानबे जाबे, कहे काबर जान ही राम न सकहीं बखानी, ये विशेष बात। और भरत के बारे में भरत जी कौन है? प्रेम मूर्ति भरत। दूसरा विशेषता रामचरितमानस में कहीं मन करु धीर देव डर नाही, भरत ही जान राम परछाई, और भगवान राम के परछाई है, हम परछाई के मन होने बुद्धि होने जितने कुछ नहीं है, उगर बाध्यता है वो व्यक्ति के पीछे पीछे चलते, तो ऐसा भरत के कुछ चरित्र से निकलने वाले कुछ रत्न के मैं चर्चा करने प्रयास कर रहा था। तो सबसे पहली यदि हम देखें तो बालकांड में बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, प्रणव प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई ने बड़ा, तो हमला संसार में देखे मिलते कोनो नियम कते पक्का पालन करते तो ओकर जीवन में प्रेम नहीं है, और कोनो प्रेम के पालन करते तो जीवन में ओकर नेम नहीं है, नियम नेम और प्रेम। लेकिन भरत जी के जीवन में जतके उत्कृष्ट नियम है उतके उत्कृष्ट प्रेम है, तो नेम और प्रेम के वहां सुघर दर्शन हमला मिलते है ना, कोई जासु नेम व्रत जाई ने बड़ा। अच्छा दूसरी तरफ बालकांड में ही देखे मिलते भरत का है कि समान अमीन उत्पात सब भरत चरित जप, भरत की चरित्र है यज्ञों में षष्ठ यज्ञ को जप यज्ञ है, और कहीं भरत जी के चरित्र जो है
जप यज्ञ है। ओकर बाद देखें सबसे पहले रत्नागर को हम कहें हमर पूज्य गुरुदेव की साल से तो भरत भैया के चरित्र में देखे मिलते आत्म गोपन के वृत्ति। भरत भैया विवाह के पश्चात जा करके लगभग 12 वर्ष तक ननिहाल में अपन आप गोपन करके रखे रहे से और तब भगवान राघवेंद्र सरकार के थे भरत ते अपन आप छिपाब तो नहीं मैं तो प्रकट करे बर मुहू अपन दुरिया जाता हूं। और तब भगवान राघवेंद्र सरकार जी के द्वारा निश्चित रूप से ये भरत जी जो अपन आप गोपन करके रखे रही से बोला प्रकट करे खातिर बार भगवान राम 14 वर्ष बनवास जाते और कुछ दिन पहली ये बात करें तो भगवान राघवेंद्र सरकार के वन गमन के अनेकों कारण में से एक कारण यह हो सके थे भगवान भरत भैया के जो आत्म गोपन है पूरा संसार के सामने प्रकट करना है। और तब जब तक वो प्रकट नहीं होकर चरित्र में जो अनेक रत्न समाहित है वो संसार के सामने प्रकट नहीं हुए ओकर बार तो कहें वो आत्म गोपन के ओकर बाद में भरत जी जब आते तो सबसे पहले भरत जी के द्वारा महतारी कैकेयी के ममता के ऊपर प्रहार करे जाते हमर पूज्य गुरुदेव की थे कि ये का है भरत जी के को जन्मत काहिन बर मांगत मन भई ने पीरा गरी ने जी हम परे उन्हें कीरा ये सब बात लग कहा कहा कहें उत्तर भरत जी के जो क्रोध उत्पन्न होते कहें ये हलाहल पहले प्रकट होते ओकर बाद है ना सुन सह में सुठिराज कुमारु और ये प्रकार के भरत जी रामचरित मानस में सर्वश्रेष्ठ वैद्य है भरत दरस मेटा भौरु। लेकिन यहाँ पर कैकेयी के जन समस्या है जन बीमारी है तेकर बर शल्य क्रिया के कहना चाहिए शल्य चिकित्सक के रूप में आते हैं और ओकर ममता के ऊपर प्रहार करते हैं। ये कर बाद में भरत जी के पिता के यथोचित क्रिया करे के पश्चात में स्वदोष दर्शन भरत जी के अन्य रत्न प्रकट होते। वास्तविक में ये बड़ा महत्वपूर्ण है भरत तो कहते मोह समान को पाप निवासु जही लगी सी राम बनवासु और यहाँ तक कहते थे मैं सठ सब अनरथ कर हेतु ये जितने भी हो सब मोर भरत जब कैकेयी के भवन में जब प्रवेश करते और तब मंथरा है ना यही अवसर कुबरी तहां आए और संग अंग विभूषण सजा करके जब आते और तब शत्रुघ्न भैया ने जब पता चलते तब ओकर झोटी जिद्ध पकड़ के घसीटन लगते और जब घसीटन लगते तो भरत दयानिधि दिन ने छुड़ाई। भरत भैया दयानिधि है भरत दयानिधि दिन ने छुड़ाई और तब किन शत्रुघ्न अरे पहली पता तो चले अपराधी कौन भरत भैया के दृष्टि में कहें तो का मंत्रा अपराधी नहीं कहे ओकर बुद्धि ला तो कैकेयी ओकर बुद्धि ला तो सरस्वती फेर दे तो का सरस्वती अपराधी कहे सरस्वती घरों में नहीं ओकर ओला तो देवता मन प्रेरित करे तो कल देवता मन अपराधी और नहीं अंत में भरत पहुंचते वास्तव में अपराधी तो मैं हूं अगर मोर जन्म यह धर्म नहीं हो रही थी तो अतेक अनर्थ ये यहाँ होने वाला नहीं रही से। तो ये प्रकार से भरत भैया दयानिधि हैं और स्वदोष दर्शन सबसे बड़ी चीज यही बात तो कबीरदास जी के साथ कबीरदास जी घलो के बाबा जी ये कलयुग में बहुत अत्याचार अनाचार होती बहुत पापी हैं और बहुत बुराई है संसार में ये समाज में कलयुग में और तब कबीरदास जी बड़ा सुंदर बात कहें बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना हो। यही हमारा वो आपके जीवन की विडंबना है हम संसार में बुराई देखते हैं लेकिन धन्य है भरत समस्त कहें वो अपन आप में पूरा दोष देखे और अंत में तो यहाँ तक कह देते कि कपटी काय कपटी कुटिल नाथ मोहि चिन्हा ताते नाथ संग नहीं लिन्हा ऐसा ना भरत के दृष्टि। तो ये कहें स्वदोष दर्शन ओकर बाद कौन जब राज्य अयोध्या के राज अंत तो गत्वा राज समाज जोड़ थे जहां गुरु वशिष्ठ उपदेश दे करके और बड़े के थे कि भरत जैन पिता के आज्ञा लमान के तोर बड़े भाई है 14 वर्ष के बनवास गए है वही पिता की आज्ञा लमान के तहु ये राज्य ले स्वीकार करो। और तब भरत भैया तो अपना आपन दारुण दिनता देखा देते आपन दारुण दिनता सब प्रणाए देखे बिन रघुनाथ पद जी की बजनी जाए। तो भरत कहते तो जीवन में कोई प्रकार के लोभ नहीं कहा मोर से बढ़ के संसार में लोभी तो कोई हो ही नहीं सके
अरे यहाँ अयोध्या के राज पद आपले मिलत है, है ना, अवध राज सुर राज सहाहे दशरथ धन सुनि धन दुल जाहे, अब तेही पूर्व भरत बसत बिनु राजा, कहे ऐसर धन संपदा मिलत है, कहे प्रभु कहे ये संसार और ये जे संसार के जतेक पद है वो तो नहीं चाहिए, तो का चाहिए, मैं तो सबसे बड़े लोग भी हाँ मोला तो राम पद चाहिए, और वास्तविक में ये तो सबसे है ना, तभी तो अभी चर्चा भी चलत रही है भरद्वाज त्रिवेणी में तीर्थराज प्रयाग में जाकर के अर्थ भ्रमण काम रुचि गति निचहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान, परमात्मा के राम पद के लोभी सर्वश्रेष्ठ लोभी, और ये प्रकार से और जब अंततो गत्वा जब पूरा अयोध्या वासी अब चित्रकूट भगवान राम से मिले बर जाल लगे, और तब भरत जी के दृष्टि का है संपत्ति सब रघुपति करा, और वास्तविक में बात यह है कि निश्चित रूप से ये दृष्टि भरत भैया के कावर अयोध्या के साम्राज्य या दुनिया में जितने संपत्ति है सब संपत्ति सब रघुपति के आ है, और यह जो बिनु जतन कराऊं चली जाहे और तब परिणाम न मोर भलाई, ये प्रकार से भरत जी तो कर रखवार रख करके जाते, ओकर बाद में जैसने आगो बढ़ते है ना, भरत भैया जब सिंहवेरपुर पहुंचते और तब तो भरत भैया के चरित्र के वो सील गुण प्रकट होते, सील रत्न प्रकट होते, राम सखा सुनि चंदन त्यागा चले भरत उमगत अदुरागा, और यह तो और वो हृदय से छाती से लगा लेते, और तब बाबा तुलसीदास जी लिखे देखी भरत कर सील सनेहू भा निषाद ते ही समय विदेहू, यहाँ पर भरत भैया के सील तत्व प्रकट होते, और निश्चित रूप से भरत भैया के चरित्र में अनगिनत रत्न है यहाँ पर ये जन है, और तब बाद में हम देखें उत्क बेर तो गुरु वशिष्ठ ला प्रणाम करते, उत्क बेर तो कहे दूर से आशीर्वाद देते, लेकिन जब चित्रकूट में पहुंचते और तब कहना चाहिए निश्चित रूप से भरत गुरु निषाद राजा हृदय से लगा लेते, मानो अब ऊंचाई और निचाई बराबरी में आ जाते, तो ये प्रकार से देखी भरत कर सील स्नेहू भा निषाद ते ही समय भी देहू, भरत भैया के सील तत्व के प्रकट होते, ओकर बाद में अव आगो यदि बढ़न भरत भैया जावा थे तो मन में विचार करते, सबसे पहले तो भरत भैया के चित्रकूट यात्रा में जब पांच पांच विघ्न आते, सबसे पहले वो पैदल चलते लेकिन सबला पता चल जाते, फिर ओकर बाद में कौशल्या मैया के कहे के अनुसार से कुछ दूर तक रथ में जाते, पश्चात भरत भैया सबला विदा करके अंत में पैदल चलते, और का सिर भरी जाऊं उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा, ये सेवक धर्म भरत भैया के ये सेवक धर्म के तत्व है, तो यह प्रकट होते। ओकर बाद में जब तीर्थराज प्रयाग में जाते ना बाबा तुलसी के लेखने चल पड़ते, देखत श्यामल धवल हिरोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे, दोनों हाथ ले जोड़ करके और वहां पर जाकर के कहते कि जिन राम के विरोधी तजिय ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने ही अभी चर्चा भी चलत रही से कि वो भरत भैया है तीर्थराज प्रयाग में जहां गंगा और यमुना जहाँ संगम है वहां एक तरफ स्पष्ट लिखे है सबिद सीता सीत नहाने, और दूसरा तरफ देखत श्यामल धवल हिलोरे, धवल रंग के जन जल है वो गंगा जी के है और श्याम रंग जो चलत है वो यमुना जी के है, और मानो यहाँ पर भरत भैया राम और सीता जी के दर्शन होते, श्याम रंग में भगवान राम के दिव्य दर्शन होते और धवल रंग में माँ सीता के दर्शन होते, और वहां पर जाकर के और पश्चात स्नान करे पश्चात मांगठे का, और तब एक और रत्न प्रकट होते का है अपन धर्म के भी त्याग भरत भैया वहां करते, बाबा तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं मांगऊ भीख मैं भिक्षा मांगा था, कैसे करके मांगऊ भीख त्यागिनी धर्मो, कहें धर्म न त्यागे का जरूरत पड़ा थे, और तब भरत भैया बड़ा सुंदर बात कहे वास्तव में मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय ककरों से मांगे का आवश्यकता नहीं है, बोला तो अपन बाहुबल से प्राप्त करना चाहिए, लेकिन मोर विडंबना है मैं है वो धर्म लोकर से त्यागा था आज मैं भीख मांगा था, और दूसरा महत्वपूर्ण बात वो क्या थे मैं धर्म लेकर से त्यागा था हे यमुना मैया ते तो सूर्य कुल के बेटी और हमारे भारतीय संस्कृति मतलब में बेटी ल दिए जाते बेटी से कुछ ले
नहीं जाए तो बेटी दे जाते और मैं बेटी दे नहीं सकता हूँ, बेटी से लेवत हूँ, एक स्थिति में अपन धर्म के भी त्याग करता हूँ, मांगो भीख त्यागी निज धर्म आरत काहन करे कुम परमु। तो ये प्रकार से भरत भैया यहाँ पर अपन धर्म के त्याग कर देते और अंततोगत्व मांगते तो का अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। और तब तो अंत में आज तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना कहे थे बहनी हमर द्वारे में हमर पास में एक से एक याचा कैसे, लेकिन आज पहली बार राजसी फकीरा है, आज तो हम अपन पूरा भंडार लुटा दे बोन चारी पदार्थ भरा भंडारू। लेकिन वो आज चारों पदार्थ मतलब गुरुदेव पंडित राम किंकर के महाराज बड़ा सुघर बात के थे कि तीर्थराज प्रयाग के अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ से जो भंडार भरे हुए है, आज ये चारों पदार्थ से भरे हुए भंडार ये राजसी फकीर के सामने अपन आप लवि छूटे समझने लग गए थे। और अंत में तो ये कह दे थे तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। तो भरत के जीवन में साधुता साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फलजासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। तो भरत के जीवन में साधुता और साथ ही साथ और जब आगु बढ़ते तो कहें कि भरत जी का है तो सब आश्रम वाले के चारों आश्रम वाले के आदर्श बन जाते है ना। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी और बैखानस बटु गृह उदासी। तो ऐसा भरत भैया के जीवन में कहने अनेकों रत्न प्रकट होते। कभी भैरव जी तो बड़ा इस संबंध में बड़ा सुंदर बात कहें कि संसारे समुद्र और भरत समुद्र में अंतर का है तो कहें ये संसारे समुद्र ला तो पुकर पांच पांच गति हो है कि खोदे गए है मथे गए है पिए गए है बांधे गए है और लांधे गए है। ये संसारी समुद्र के तो पांच पांच हाल हो है, लेकिन भरत समुद्र के विशेषता ये है सागर विशाल यह सागर सुतों ने खोदा देव दानों ने मथा इतिहास गा सका पीकर पयोधी को अगस्त ने पचा लिया। अगस्त मुनि पचा ले थे और डांग कर सिंधु राम दूत पार जा सका हनुमत लाल जी पार हो गए बांध कर वारिद को राम उतरे पार सेतु बंद करके भैरव उपाय कोई और न आ सका लांध कर बांध कर पान कर किसी भांति भरत पयोधी का न कोई पार पा सका भरत पयोधी का न कोई पार पा सका। ऐसा भरत जी के चरित्र में से जो अनगिनत रत्न निकले है वो में से फिर अगला रत्न और जब भरद्वाज जी के आश्रम में जाते भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी जब पहुंचे और तब भरत अब सिर नीचे के बैठे हुए है और तब तो भरद्वाज जी के थे कलंक कहां भरत कलंक या भरत तोर जीवन में कलंक लगे है ये कलंक बहुत अच्छा लगे और वास्तविक बात में है या ऐसा ने कहे तो कहें काबर के बड़ा सुघर बात है कहीं वैसे तो काला जग सब जगह पर उपयोग ठीक नहीं है लेकिन यदि जैसे पहले अब आजकल तो वो दूर हो गए पहली स्कूल में तख्ता कहान या ब्लैक बोर्ड कहान तो ओला जतका करिया करके रंगाया जाए उतके अच्छा चाक में लिखें तो उतके स्पष्ट दिखाई दे। तो कहें भरत तोर जीवन में कलंक लगी अच्छा हो काबर अच्छा हो तुम कह भरत कलंक या हम सब कह उपदेश हम सब ला आज एकर द्वारा उपदेश प्राप्त होते कैसन एकर पहले हमुमन कोनो उपदेश देन बड़ा सुघर बात कहते हम सब कोनो उपदेश देन तो निश्चित रूप से कैसे उपदेश देन पर उपदेश कुशल बहुते हम ऊंचा आसन में बैठ करके संसार वाले उपदेश देते रहे हमुमन नीचे हुआ आज पहली बार ये देखे मिली हम ऊंचा आसन में बैठ के सुना था और ते नीचे बैठ करके तो हम तुम कह भरत कलंक या हम सब का उपदेश राम भगत रस सिद्ध हित भा यह समझ गया ये तो राम भक्ति रस के लिए जिन कलंक लगे है उकर से राम भक्ति रस की सिद्धि हुई और ये आज से एकर का होते भा यह समय गणेश आज शुभारंभ होते श्री गणेश होते यहाँ भरत के जीवन में जिन कलंक भी लगे है और तब भरद्वाज भरत जी से बड़ा सुघर बात कहते भरत हमारे जीवन के जब तक आराधना हम सब करें सब साधन कर सुकल सुहाव लखन राम सी दर्शन पावा कि जब तक आराधना जदय हम करें तो हमार कहना चाहिए ओकर फल हमला मिले इसका लक्ष्मण राम लक्ष्मण सीता ज्ञान भक्ति बैराग के दर्शन हो इसे लेकिन ओकरो दर्शन के फल काए
ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। माने भगवंत के दर्शन के पश्चात कहना चाहिए तो कहे के संत दर्शन मोते अधिक संत करी लेखा वास्तविक में भर। तो कहें ये प्रकार से भरत जी के चरित्र में ये कलंक भी लगे। ओकर बाद में भरद्वाज जी के आश्रम में जाते तो भरत यशचंद्र के प्रगटीकरण होते। बाबा तुलसी लिखे न विधु विमल तात जस तोरा रघुबर किंकर कुमुत चोरो चकोरा उदित सदा अंत ही का बहुना। ये विशेष बात के इनकी तोर यशचंद्र सदा उदयमान ही कबहू नाट कहना कबहू ये अंत नहीं हो है ना अस्त नहीं हो और घट ही न जग। ये एक संसारी चंद्रमा जो है ये 15 दिन बढ़ थे और 15 दिन घट थे। तो कहें घट ही न जग नभ दिन दिन दुना ये नभ आकाश में और रोज दिन दिन दुना हो ही कोक तिलोक प्रीति यदि करहि प्रभु प्रताप रवि छवि न हरहि और निसी दिन सुखद सदा सब का हो। और बड़ा विशेष बात कहें कहें महाराज ये संसारी चंद्रमा में ये में घटत बटत रहे कहे ये घटे नहीं दिन दिन दूर बढ़ा रहे। तो ओकर बात कहे ये चंद्रमा लग ग्रहण लग ही लग थे तो ये चंद्रमा लग भरत चंद्र लग कहे ये लग ग्रहण लगबे छ नहीं करे कोनो पूछ काब रहे ग्रहण नहीं लगे। तो कहे ये तो चंद्रमा लग चंद्र ग्रहण कब लग थे जब ओमे पूर्णिमा आते जब भरत जी के चंद्र चंद्र यश चंद्र वो कब पूर्णिमा आबे छ नहीं करे दिन दिन बढ़त रहने वाले दिन प्रतिदिन वो बढ़ते रहे और जब बढ़ते रहे पूर्ण तो हो बेच नहीं करे तो वहां ग्रहण तो ग्रसहीन कह कह कर्तव्य राहो। ओकर बाद पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा और अंत में तो यह बात कहते आज राम भगत अब अमी आगाहू और किन्हे सुलभ सुधावर। तो भरत जी के यशचंद्र के वहां होते वहां पर भरत जी के वैराग्य के पराकाष्ठा हम लोग आप लोग देख लेते कब जब आज भरद्वाज जी सोचते अतुलित अतिथि राम लघु भाई और एकर पहुंच कैसे करे जाए और तब रिद्धि सिद्धि मन आ करके और आज्ञा मांगते और तब वहां भरद्वाज जी के आश्रम में ऐसा व्यवस्था कर देते है ना कि जे ऐसा व्यवस्था तो स्वर्ग में भी ना हो अमरपुर में भी ना हो। तो ऐसा व्यवस्था जब कर देते और देखे सुर दुर्लभ जतिक भोग सब सामग्री है जनर सबके व्यवस्था कर देते लेकिन भरत जी के उहारे थे तो कैसे बाबा तुलसी के लेखनी चल पड़ते संपत्ति चकई भरत चक रिसुआ सुखलवार तेहनी आश्रम राखे भाव भिनसार। और ऐसा भरत ओ तरफ दृष्टि नहीं दे भरत की दृष्टि कहाँ जाते तो भरत ऋषि प्रभाव जब भरत बिलो का सब लघु लगे लोकपति लोग कहे कि जेन ऐसे आश्रम मिले थे उकर पर अत्यगन अतक सुख सुविधा के रहते हुए जब वो भोग नहीं करे तो निश्चित रूप से ओकर पास में कोई विशेष चीज हुई और विशेष बात हुई। तो ये विचार करके भरत भैया है तो वहां पर भरत भैया के वैराग्य के पर प्रकाश प्राप्त होते। ओकर बाद में भरत जिला भक्त शिरोमणि की जब भरत भैया है जैन भाव से जावत रहते देवराज इंद्र और सब देवता गण मिल करके कहते गुरुदेव ये अगर भरत जी जावत थे और जाहे और भगवान राम से मिल तो जो हम उदीम करके अतक करके भगवान राम वनवास भेजे हैं और कहो भरत भैया लौटा के ले आई तो हमर तो सब जते करें थे सब व्यर्थ चले जाए। और तब आज देव गुरु बृहस्पति बड़ा सुघर बात कहते हैं कि भरत कोने तेल जान लो हे देवराज भरत कोने तेल जान राम भगत पर हित निरत भगवान राम के भक्त जैन है वो पर हित में सतत निरंतर निरत रहने वाले पर के हित के कारण है ना। तो और पर दुख दुखी दयाल पर के दुख दे भगत शिरोमणि भरत के यहाँ भक्त शिरोमणि भरत जी यू एक रत्न है। तो कहीं भगत शिरोमणि भरत के जनि डर पहु सुरपाल आप यहाँ कोनो प्रकार से डरे का आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रकार से भरत भैया के चरित्र में देखा तो एक नहीं अनगणित रत्न प्रकट होते या जहाँ देवता और दानव के द्वारा जो मिल करके जो समुद्र के मंथन करे गिरी से अमृत प्राप्त करे बर वहां तो केवल 14 रत्न की प्राप्ति हो रही से लेकिन ये भरत जी के चरित्र के मंथन ला प्रेम अमीय मंदर विरहु
भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे उस सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं एल मंथन करते कोनो भगवान ला पूछे कि मंथन करे का आवश्यकता का है कि इसमें लोग मन ला तो बहुत उपदेश दे हूं, एक बार महू वो प्रयास करके देखता हूं, महू मंथन करके देखता हूं। और तब भगवान राघवेंद्र सरकार जी के द्वारा ये मंथन करेंगे और उनमें से अगणित रत्न भरत जी के चरित्र में राम अयोध्या कांड लगभग आधा पूरा भरत चरित्र से भरे पूरे हैं। और अंत में तो भरत बाबा तुलसी तो यहां तक कह देते कि भरत चरित्र करी नेम तुलसी जे सादर सुनहिं सी राम पद प्रेम अवसी होई भव रस विरति। तो ए प्रकार से भरत जी भैया भक्त शिरोमणि हैं। और आगे बढ़ा तो भरत जी के जीवन में सहज स्नेह सहज जिन प्रकार से हम सांस लेते हैं, यदि बोला हम अपन कहू गिनती करें अपन एक प्रयास करें तो वो संभव नहीं है, लेकिन हम सहज रूप से श्वास हमारा आवागमन होती थे। उसी प्रकार से भरत जी के जीवन में सहज स्नेह ओकर बर ओला कोई प्रकार के प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। ये प्रकार से ये रत्न भी भरत जी के जीवन में सहज स्नेह है। उकर बाद में तो का ये में जो हाँ श्री मणि रंभा वारणी अमी संघ गजराज कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विश्वास वहां सुर निकले रही से। तो का भरत के चरित्र के मंथन हुई तो ये में सुर नहीं निकले, कहन निकले कहां कब तो जाहि स्नेह सुरा छछा। भरत भैया जैसे चित्रकूट के सब अयोध्या वासी मल्ला लेकर के नर नारी मल्ला लेके जाते और वहां सने छुरा मिलते और सब छक करके आ जाते सब परमात्मा के प्रेम में। तो ये प्रकार से और अब जब आगे भरत जी पहुंच जाते हैं चित्रकूट में तो भरत जी के प्रति गुरु अनुराग भरत पर थे। आज तक सारे संसार में जते शिष्य है वो गुरु के ऊपर अनुराग करते हैं। भरत पहली शिष्य है जेकर ऊपर गुरु के ही अनुराग। भरत जी जब चित्रकूट जावन लगे तो गुरु वशिष्ठ कि भरत के जिन प्रेम में है तो निश्चित रूप से और एक तरफ प्रेम है दूसरा तरफ धर्म रही तो धर्म निश्चित रूप भरत के प्रेम में कम हो जाए और धर्म आगे बढ़ जाए तो मैं राम के तरफ रहूं करके राम के ओर रहूं करके। और जिन हो विधि के विधान विधि पुत्र सब जाना दे थे वो जब वहां से गए तो कहे भरत कत्तो प्रयास करे लेकिन मैं राम के तरफ रहूं। लेकिन अंत में जब जा करके देखे और तब भरत भैया के जन बात है अंत में वो कहा करते थे सुनी स्नेह मैं बचन गुरु उर उमगा अनुराग गुरु अनुराग। और यही बात देख करके आज भरत गुरु जी के जन्म मन में अपन शिष्य के प्रति अनुराग हो जाते। और अंत में हम वो आप जानते हैं भरत भैया जब पूछते थे गुरु जी गुरुदेव यदि आपके आज्ञा हो तो मैं चरण पादुका ला और यह सिंहासन में बैठार करके और मैं नंदी गांव में निवास करते हूँ। भरत भैया के ये बात सुन करके गुरु तो वो स्पष्ट कह देते भरत एकर पहली मैं कोनो चीज के धर्म के व्याख्या करे बर मैं शास्त्र देखे हूं काबर विधि पुत्र है ब्रह्मा के मानस पुत्र है तो मैं शास्त्र अनुरूप देखत रहे हूं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं समझब कहब करब तुम जोई धर्म नहीं वो तो धर्म के सार हुई। तो ये आज गुरु के अनुराग है। बाद में जबर चित्रकूट में पहुंचते सभा जम थे चित्रकूट में और तब भरत गुरु वशिष्ठ राम जी के तरफ से रहने वाले रही थे आज जल्द थे और जाके आज भरत के तरफ से जब बोलते भरत के तरफ से जब बोलते तो और ये स्पष्ट बात रहे थे कहें गुरुदेव आप जो आज्ञा दे हम दोनों भाई माने बर तैयार हूं। लेकिन गुरु के थे भैया मोर बुद्धि अब स्वतंत्र नहीं है। काबर स्वतंत्र नहीं है कहे ना कि मोर बुद्धि अब भरत के ओर चल चुके हैं भरत के तरफ मुड़ चुके हैं अब मैं स्वतंत्र निर्णय नहीं दे सका एक मैं निर्णय नहीं देता ते कर वो कौन से बात तो बड़ा सुघर बात करब राज मत लोक मत निप नय निगम चोरी ये सब बात लगकर ते करे यहां तक भरत तो गुरु अनुराग भरत कर देखी। आज गुरु के अनुराग भरत के ऊपर हो गए आज गदगद हो गए थे। तो ये कहे कि यही एक रत्न है। ओकर बाद भरत भैया के अनमोल रत्न जिनके जन प्राप्त होते महाराज जनक जी जब आते वो कथे निर्वोध गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझाने कहीं सुमेर की शेर सम
कवि कुल गतिमक्षा। भरत भरत के समान केवल भरत ही है, दूसर कोई हो ही नहीं सके। भरत के बारे में महाराज जनक के ये अनमोल रत्न के प्राप्ति होते। और हमर पूज्य गुरुदेव तो बड़ा सुंदर बात के थे, वास्तव में राम राज आही कब, रामचरित मानस के जितने पात्र हैं सब पात्र रहे, एकमात्र यदि भरत नहीं है तो राम राज आने वाला नहीं है। तो राम राज के आधार भरत भैया है, तो ये भरत भैया के ये अनमोल रत्न। ओकर बाद फिर यदि आगू बढ़ा प्रसंग ला, अंत में ये बात हो जाते कि वापस लौटे के बाद होते कि भाई है ना कि भगवान राम और भरत दोनों के बीच में, भगवान तो यहाँ तक कहते थे भरत कहीं सो किए भलाई, अस कहीं राम रहे अरगाए। और अंत में भरत कहने के प्रभु यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, कृपा सागर की ये सोई। और तब भरत अंत में जब अयोध्या वापस लौटने लगते, और जब वापस लौटने लगते तो कहें बिनु आधार नहीं तोष न शांति, और बिना आधार के बिना में वो जीवन में है। और तब भगवान राघवेंद्र सरकार का करते प्रभु करी कृपा पावरी दिन, वो पावरी प्रदान करते। और तब वहां भरत के दृष्टि जीवन है के वो कहना चाहिए चरण पादुका पर अस सुख जस सिया राम रहे थे। मान लो ये दो चरण पादुका नहीं, वास्तव में भरत को कौन ले गए थे है ना, चरण पीठ करुणा निधान के सादर शीश भरत धरि लेने, और वो लेकर के आते तो कैसन का लगे थे कहने, वास्तव में ये चरण पादुका नहीं, एक ठन राम और एक ठन सीता है। और ये दृष्टि, और तब उन्हों बाद में तो भगवान राम लोग पूछे कर प्रभु अरे ये आप चरण पादुका के रूप में अयोध्या के राज या अयोध्या के सिंहासन में आप बैठे छो, तो कहते का अच्छा होते कि आप चरण पादुका वन में छोड़ देते और आप लौट के अयोध्या चल देते तो साथ सब आनंद मिलते। और तब भगवान राघवेंद्र सरकार बड़ा सुघर बात कहें, यही तो मैं सारा संसार वाले लोग बताना चाहता हूं का कि वास्तव में ये दृष्टि जैन भरत का रहे वो दूसर करा नहीं है। कतकोन तो ऐसे है जल रामला राम नहीं माना थे, और दूसर तब देखन कहूं का जान भगवान रामन ला 14-14 जन 17-17 बेर समझाई से, लेकिन वो माने भरते है तो कतको नहीं है, लेकिन ये तो भरत के दृष्टि है। जड़ चेतन मग जी रे जे प्रभु चितई जे प्रभु हेरे है ना, सब भय परम पद रोग परम पद जोगो, और भरत दर्शन मेटा भौरो, भरत के दर्शन के द्वारा सबके भव रोग मिटते तो है ना, तो भव रोग नाशक सर्वश्रेष्ठ वैद्य है। और यदि हम आगू बढ़न तो भरत भैया के चरित्र जीवन में देखें तो लंका कांड के वो पावन प्रसंग जहां आंजने हनुमत लाल जी सजीवनी बूटी लेकर के आवा थे, और तब अनुमान प्रमाण वहां प्रमाणित होते, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। फिर अंत में देखन भरत भैया
वैराग्य की पराकाष्ठा, भक्त शिरोमणि, सहज स्नेह, स्नेह सुरा और गुरु अनुराग, आत्म अनमोल रत्न, ऐसे अनेक रत्न की प्राप्ति होते। और ये तो कहे मुझे अल्प प्रयास है, मैं प्रयास में कहां तक सफल हुए मुझे पता नहीं, और भविष्य में अनेक और भरत के चरित्र है जेकर पार कुल पाने सके, एकरे स्थिति जान नहीं रहा, अल्प प्रयास करे रहे हूं मैं कहां तक सफल हुए। अब क्षमा मांगत हुए बोलिए क्या बताऊं।